जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज वापस गुरु जी ने सत्संग करने का मौका दिया है। सत्संग तो आप ये होता है ना कि गुरु जी से जब से जुड़े हैं तो उसके गुरु जी के जुड़ने के बाद अब तो जो भी होता है वो सब सत्संग ही होता है। छोटी सी छोटा बात हो, बड़ी सी बड़ी बात हो, वो सब गुरुजी के सत्संग ही बन जाते हैं, क्योंकि गुरुजी के जुड़ने से पहले की लाइफ में और गुरुजी के जुड़ने के बाद की लाइफ में तो बहुत फर्क आ चुका है। पहले ये रहता था, पहले डिस्टर्ब भी होती थी लाइफ, तो बहुत काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता था, माइंड नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे। लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रैक आ गया है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, गुरुजी से जुड़ते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, टाइम लगता है। आप ये नहीं कि आज आप जुड़े और कल ही आपकी प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी जाते होंगे, ऐसी बात नहीं। अगर सत्संग अपन सुने, पुराने संगत के सत्संग सुनते हैं तो सब ये कहते हैं कि गुरुजी के साथ आप कितने साल से तक भी जुड़े रहो तो कईयों का नहीं होता कल्याण। लेकिन गुरुजी कहते थे कि कई बार ऐसा होता था कि जो कि जुड़ते ही जिनका कल्याण हो जाता था। जैसे सब कर्मों की बात है, अपने अपने कर्म है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि गुरुजी की शरण में आगे, वही सबसे बड़ा वो है लाइफ में कि कोई गुरु तो मिला। क्योंकि आज की जो भागा दौड़ी वाली लाइफ है उसमें गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो कोई गुरु है, ना तो ऐसा गुरु है, ना ऐसा कोई शिष्य है जो एक वो हो सके। एक भगवान ही आके उस रूप में, गुरु के रूप में ही अपना गुरु बन सकता है। क्योंकि जो इंसान है वो तो एक दूसरे को नीचा गिराने में, एक दूसरे की को कैसे उसको उसके कॉन्फिडेंस को लो किया जाए, उसी चीज में करने लगे हैं। क्योंकि कोई सुनता भी नहीं है किसी की, कोई कितनी प्रॉब्लम में हो, कोई कितना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है और ना ही मतलब रखना भी नहीं चाहते। और ऊपर से अगर किसी को किसी की प्रॉब्लम के बारे में पता भी चल जाए तो वो मजाक ही बनाते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने अपनी शरण में हमें लिया, क्योंकि गुरुजी से बातें करने, गुरुजी के स्वरूप के सामने बातें करने का बात ही अलग है। क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है छल कपट, एक साफ सीधी सी लाइन है। जो अपन बोलते हैं उसका जवाब मिलता है, अपन गलत हैं या अपन सही हैं वो सारी चीजें पता चल जाती हैं गुरुजी के जवाब से। तो मेरी जर्नी तो मुझे खुद को भी नहीं पता कब से स्टार्ट हुई है, कब से स्टार्ट नहीं हुई। गुरुजी ने तो हिंट मुझे 2014 में मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मेरे को दे दिया था। बस वही है कि मैं ही नहीं समझ पाया था कि कोई गुरु भी है। 2014 में मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। लेकिन उस समय लाइफ एक अच्छी ट्रैक पे थी, एक अपने पीक पे थी। जो आप कर रहे हो वो सब कुछ मिल रहा था, अर्निंग सोर्स भी अच्छा था, फाइनेंशियली भी अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि गुरुजी ने अब जब सिचुएशन में अब देखता हूँ तो अब ये सोचता हूँ कि गुरुजी ने तो उस समय इंडिकेट किया ही था 2014 में, किसी की ना किसी के थ्रू तो गुरुजी का पता चल ही गया था उसके बाद। हाँ ये है कि एक बार पता चल जाता कि गुरुजी हैं तो फेसबुक पे आप देखते हो तो दिल्ली के कई फ्रेंड्स होते हैं, दिल्ली के जो कई काफी लोग जुड़े होते हैं वो फेसबुक पर डालते रहते हैं, तो
तब भी इतना कोई गौर नहीं करा था, लेकिन ये था कि गुरुजी ने तो लाइफ में आ ही गए थे, बस अपने समझने की देरी थी, अपन ही समझ, मैं ही नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी हैं ऐसे। क्योंकि लाइफ क्या होता है, लाइफ जब सही चल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो इतना ध्यान नहीं जाता है कभी भी। सब कुछ सही चल रहा है आपका, फाइनेंशियली भी बेस सही है आपका, आप जो चाह रहे हो लाइफ में वो भी सब कुछ मिल रहा है, लाइफ में स्ट्रगल भी नहीं है। स्ट्रगल तो है, कह नहीं सकते स्ट्रगल का तो, लेकिन ये कह सकते हैं कि सब फाइनेंशियली बहुत सही चल रहा था। आप एक करियर आपने जो स्टार्ट किया था 2010 में, आप उससे लेके 2014 तक के सफर में आपका सब कुछ सही चल रहा था। आपने अगर स्ट्रगल भी कर रहे थे तो वो स्ट्रगल में भी आप पास हो रहे थे। तो ये था कि 2013 में मैंने अपनी शॉप खोली थी, 2010 से मैं अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया था। 2010 से लेके 2013 तक मैंने घर से काम किया था, तो तब भी सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद शॉप कर ली 2013 में, तो 13-14 भी सब कुछ सही चल रहा था। तो कुछ ऐसा कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियली भी सब कुछ सही था, लेकिन ये नहीं पता था कि आने वाला टाइम बहुत ही माड़ा आने वाला है। माड़ा इन द सेंस कि ये नहीं पता था कि जो चीज़ अभी इतनी आसानी से हो रही है, वही चीज़ आगे जाके इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप अपना सिर फोड़ दोगे दीवार से, लेकिन तब भी नुकसान आप ही का ही होना है। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन, गुस्सा आना, सब कुछ लाइफ में आगे आना लिखा हुआ था। अब वो ही है कि उस समय गुरुजी ने हिंट दिया था, लेकिन समझ नहीं पाए। लाइफ सब कुछ सही चल रही होती है तो आपकी समझ में भी नहीं आता कि ठीक है होंगे गुरुजी, मान लेते हैं। लेकिन वॉइस वही था कि जर्नी स्टार्ट होनी थी, ये वक्त आना था, इस वक्त में उस वक्त मैं समझ जाता तो शायद, अगर पॉजिटिव वे में देखूं सोचूं तो अगर मैं उस वक्त में समझ जाता कि गुरुजी हैं और गुरुजी की शरण में मैं चला जाता, तो शायद आज जो मेरी लाइफ में जो टाइम चल रहा है ये टाइम नहीं चलता। लेकिन मंजूर कुछ और ही था गुरुजी को, मंजूर कह लो या मेरी गलती कह लो, मैं ही नहीं समझ पाया गुरुजी को। 2014-15 मैं थोड़ा टाइम थोड़ा पीछे की तरफ में अगर जाऊं तो 2015 से थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुई थी। इतना नहीं कह सकते थे, तब भी चलो ये था कि ये तो लाइफ में ऊपर नीचे चलता ही रहता है। 15 भी जैसे तैसे चला गया, ठीक है सब सही है, लेकिन हाँ ये था कि पहले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं गया था। शॉप में सेल नहीं हो रही थी, कहीं भी आपके काम नहीं बन रहे थे, लेकिन ये था कि फिर भी पहले जितना था उससे थोड़ा डाउन था, लेकिन इतना डाउन नहीं था कि माइंड में तब भी गुरुजी का या कुछ आए तो ठीक है चलता है तो सब चलता रहता लाइफ के वो है। धीरे धीरे 2016 आया, 2016 में भी लाइफ मई जून शायद, मेरे को इतना ध्यान नहीं है मई था या जून था, गर्मियों के दिन ही थे, वहां से लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मैं एक्चुअली कहीं से अपने घर की तरफ तो नहीं आ रहा था, अपनी फ्रेंड को लेने जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी कोई गलती नहीं थी, उस समय मैं रेड लाइट पे खड़ा था, मेरे आगे बाइक खड़ी थी, पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी आई और तेज भागती हुई आई, उससे ब्रेक नहीं लगे, उसने मेरी गाड़ी में सीधा मारी और जिससे कि मेरी गाड़ी आगे की तरफ पुश हुई और मुझे खुद को भी नहीं पता चला क्या हुआ। उस पुश होने की वजह से जो आगे जो बाइक पे जो बैठे हुए थे तीन जने, उनमें से जो पीछे जो बैठा हुआ था वो मेरी गाड़ी के बोनेट पे आके गिर गया, जिससे कह कि उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था और मेरी काफी जो गाड़ी थी पीछे से बहुत डैमेज हो गई थी। लेकिन ये है कि शुक्राना है गुरुजी का कि मैं बच गया। उस समय भी मैं नहीं पहचान पाया था कि कोई है साथ में। अब जब मैं अगर सोचता हूँ तो ये लगता है कि गुरुजी तो काफी टाइम से मेरे साथ ही थे, मैं ही नहीं पहचान पा रहा था।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना था गुरुजी का। अब जब मैं जुड़ा तो मैंने अपनी लाइफ को पीछे की तरफ जाके देखा तो लगा कि गुरुजी तो कब से मेरे साथ थे। तो गुरुजी का शुक्राना था कि गुरुजी ने एटलीस्ट, ठीक है नुकसान हो गया था गाड़ी का, सामने वाला भी, सामने जो मेरी हिट हुआ था गाड़ी से, जो मेरे से हिट नहीं हुआ था, जिसने मेरे पीछे, जिसने मेरे को एक्सीडेंट करा था उससे, उसके थ्रू जो मेरी गाड़ी आगे पुश हुई थी, जो हिट हुआ था कि चलो उसका, उसके जो भी इंजरीज हुई कम इंजरी में ही वो हो गया। कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था, कई बार माइंड में सोचो तो ये लगता है कि कुछ भी हो सकता था। एक्सीडेंट मेजर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है। तो और पीछे जो मेरा स्विफ्ट था, गलती तो खैर उसकी थी, लेकिन बस वही है, टाइम खराब हो गया था वहां से, हर चीज में टाइम खराब हो गया था। एक तो यह था कि एक्सीडेंट हो गया, उस समय माइंड भी एकदम से सुन हो गया था कि क्या हुआ, क्या है मेरे साथ, मुझे खुद को भी नहीं पता। पीछे वाले ने जो मेरे, जिसने हिट करी थी उसने, वो मेरे पे ही चढ़ गया कि आपकी गलती, आपने एकदम से गाड़ी रोक, जबकि मैं तो अपनी रेड लाइट में खड़ा था। और आगे भी बाइक वाले ने भी ये नहीं सोचा कि ये तो जब खड़ा है तो इसकी गाड़ी से कैसे हिट हो सकते। मैं बराबर कह रहा था कि मेरी गाड़ी से को किसी ने पीछे से हिट करा है, जिससे मेरी गाड़ी आगे पुश हुई है, और वो पुश होने की वजह से तुम्हारी बाइक पे हिट हुई, तो उससे मेरी कार पे तुम आके गिरे, तो इस वजह से ये इंजरीज हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बस वही है, उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, पुलिस वाला भी जो खड़ा था उसने भी कोई नहीं सुनी, उसने भी पीछे वाले का सपोर्ट करा, तो उसकी बात मान के उसको जाने दिया, तो फंस मैं गया। बस वहीं से लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई थी, फाइनेंशियली जो आना था ना बैकड्रॉप, वो वहीं से आना स्टार्ट हो गया था। फिर भी इतना समझ में नहीं आया, ठीक है मैंने उसका इलाज करवा दिया, उसको घर भेज दिया, लेकिन वही है कि गुरुजी थे साथ में, जबकि अब जब मैं सोचता हूँ तो गुरु कोई थी शक्ति ऐसी कि पुलिस केस नहीं बना, गाड़ी जब्त नहीं हुई, ठीक है मैंने उसका इलाज करवाया, ठीक है, लेकिन ये था कि पुलिस केस नहीं हुआ, मैं भी बच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कि मैं बच गया, ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को गुरुजी ने वहां से बचा लिया, एक लाइफ दे दी। कल को कुछ भी हो सकता था, पीछे से हिट हुई थी, कुछ भी इंजरीज हो सकती थी। शुक्राना गुरुजी का उसके लिए कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये था कि मेरे पीछे से गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी, आगे से वो जो हिट होके मेरी गाड़ी पे आगे बोनेट पे गया था वो काफी कुछ डैमेज हो गया था। फिर उसको मैं ही हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में ले गया, वहां पे उसका इलाज करवाया। इलाज के दौरान वो बोलता कि भैया आपकी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो भाई तो पहले ही बोल देता, अब जो तुम बोल रहे हो, अब तो जो होना था सो हो गया, अब मैं ठीक करवा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, तो तुम्हें तो क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हारे इलाज से मतलब था उस समय। हाँ ये था कि फाइनेंशियली तो मैं काफी सही था, तो मेरे पास उस समय 7-8,000 रुपीज पड़े हुए थे इन हैंड, तो मैंने उस समय उसको उसके ऊपर लगा दिए, और गाड़ी पे मेरे कम से कम 8 से 10 हजार रुपए मेरी गाड़ी पे लग गया। बस वहीं से ही लाइफ का ट्रैक चेंज हो गया, जो लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे चल रही थी वो स्मूथ ट्रैक से ऐसे ट्रैक पे आ गई लाइफ। या उस दिन से मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल हो गया है, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल हो गया कि मैं बता नहीं सकता, कि मेरे को एक टी शर्ट बेचने के लिए भी ना इतनी एक टी शर्ट सेल करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं बता नहीं सकता। कई बार आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि गुरुजी चल क्या रहे हैं मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ सब कुछ सही चल रहा था, आपने इंडिकेट भी करा 2014 में, मैं क्यों नहीं समझ पाया। अगर मैं शायद उस समय समझ जाता, शायद मेरी लाइफ में ये टाइम नहीं आता, मैं नहीं समझा, लेकिन आपने मेरी लाइफ में उस टाइम पे आ गए थे, लेकिन अच्छे से समझाना था, मैं नहीं समझ पाया तब भी। लेकिन हाँ ये था कि 2016 में जब हुआ,
उसके बाद से जब लाइफ आगे की तरफ मूव ऑन हुई उस एक्सीडेंट के बाद से बहुत डाउनफॉल आ गया। बिजनेस बिल्कुल मेरा डाउनफॉल पे चला गया। नोटबंदी भी हुई थी उस साल, तो लोगों ने बोला कि आगे जो मई में खैर मई जून में हुआ था, उसके बाद दो नवंबर में नोटबंदी हो गई थी। नवंबर तक तो वैसे ही स्ट्रगल इतना भयंकर चल रहा था, फिर नोटबंदी हो गई। नोटबंदी में लोग कहने लगे कि लोगों से अगर किसी से मैं बात करता था कि मैं मेरा बिजनेस बहुत हो गया, लेकिन लोग बात कोई नहीं सुनता था। वो तो नोटबंदी को देख के टाइम से देखते थे कि ये तो सबके साथ चल रहा है। मैं उनको क्या बताऊं कि नोटबंदी तो अब आई है, नोटबंदी से तो मेरे को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन नोटबंदी के कुछ महीनों पहले से ही मेरे को बहुत फर्क पड़ने लग गया है। 2016 भी कैसे ना कैसे हुआ, 2017 भी बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल था। फाइनेंशियल स्टेज बहुत वीक थी, जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, गाड़ी की किस्तें भी जारी थी। मैंने एक्चुअली मेरी जो कार थी उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स जारी थी, तो गुरु महाराज ने कैसे ना कैसे किसी ना किसी के थ्रू निकलवा दें कि मेरी गाड़ी फ्री हो गई 2017 में। जो मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी जो इतनी आसानी से मैं दे रहा था, उसको देने में भी बहुत हो गया। ये तो मेरी थैंक्स है मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे मेरा वो सपोर्ट करा और मेरे को मेरे साथ खड़े रहे एक पिलर की तरफ। तो 2017 भी निकल गया, 2018 में और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गई। 2018 तो मुझे को अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ध्यान लगाऊं 2018 में तो मैंने शायद कुछ भी अर्न नहीं करा होगा। 2018 में भी मैंने कुछ अर्न नहीं करा होगा, 2019 में भी मैंने कुछ अर्निंग बिल्कुल मेरी जीरो थी। कैसे कैसे जीवन चल रहा था, कैसे नहीं चल रहा था मुझे नहीं पता। कौन से मंदिर में नहीं गया, कौन सी क्या बोलूं मैं, कौन से पंडितों के पास नहीं गया, कौन सी मजार जो होती हैं, जो दरगाह, कौन सी दरगाह में नहीं गया, किसके पास नहीं गया मैं बता नहीं सकता। सबके पास गया, मेरे पंडित अंकल थे, उनके वो कॉन्फिडेंस दिए रखते थे कि नहीं नहीं निकल जाएगा टाइम, ये टाइम निकल जाएगा। बस उसी कॉन्फिडेंस से ही वो पंडित अंकल जो थे मेरी लाइफ में, वो भी ये था कि गुरुजी की देन थे कि वो मेरी लाइफ में एंटर हुए, जो उन्होंने संभाले रखा, तो वो टाइम कैसा ना कैसे उन्होंने निकलवा दिया। 2018-2019 बहुत मुश्किल थी, मैं बता नहीं सकता कितनी मुश्किल थी। एक बार तो रोना ही इतना मैं रो देता था मैं बता नहीं सकता। बहुत इमोशनल टाइम था वो, तो बहुत ही मैं सोचूं तो रूह कांप जाती है कि यार क्या हो गया था ऐसा। जो लाइफ इतनी स्मूथ ट्रैक पे चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, आगे की प्लानिंग्स थी, वो सब एक सेकंड में एक एक्सीडेंट से इतना कैसे डाउन हो गया मैं। पंडित अंकल जो थे उनको वो भी काफी टाइम बाद एंटर हुए थे 2017 पता नहीं मेरे को इतना एक्चुअली ईयर मुझे ध्यान नहीं। हाँ ये था कि उससे जो एंटर होने से पहले मैं काफी, जैसे मंदिरों में अपन जाते हैं कॉलोनियों के भी जो मंदिर होते हैं वहां पे, वहां के पंडितों से भी मैं पूछता था कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है। बस वही है कि किसी को बता दो तो वो तो आपकी सोच लेता था कि इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है तो इसकी प्रॉब्लम के थ्रू ही इसको इससे कमाओ कि आप ये चल रहा है, आपकी ये दशा चल रही है, आपकी कुंडली में ये चल रहा है, आप चोला चढ़ाओ हनुमान जी को, चोला चढ़ाओ 400 रुपए लगेंगे, कोई कितने लगेंगे, कभी कितने लगेंगे। ठीक है चोला भी चढ़ा देते थे, बस वही होता था उस समय, देखता था कि पंडित अंदर से आया, अलमारी में से निकाला, वही चोला चढ़ा दिया, वही वापिस उसने अलमारी में ले जाके रख दिया। काफी हुआ था मेरे हिसाब से 7-8 बार मैंने ऐसे किया था हनुमान जी के। तो किया था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर एक दिन समझ में आया कि ये तो पंडित बेवकूफ बना रहा है, अब इसके पास नहीं जाना,
फिर काफी चक्कर काटे, मेरा फ्रेंड भी मेरे को लेके गया, कहाँ कहाँ नहीं लेके गया, वो भी एक जगह लेके गया। हाँ उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया था, लेकिन गया था मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी कि गुरुजी हैं। गुरुजी का कभी माइंड में नाम भी नहीं आता था उस टाइम पे। गुरुजी की एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन मैं गुरुजी को नहीं समझ पा रहा था। 2000 फिर अब मैं पंडित अंकल का एंटर हुआ, वो समझाते थे, उनके थ्रू टाइम निकला 2018, 2019, 2020 में, फिर लॉकडाउन लगा, फिर भी गुरुजी को मैं नहीं पढ़ पाया था कि गुरुजी हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं लाइफ में बहुत परेशानी थी। तब तो ये था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इतना, तो लॉकडाउन खुलने के बाद अब तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि पहले ही इतना मुश्किल टाइम चल रहा था लाइफ में, फाइनेंशियली इतना मुश्किल था, इतना सब कुछ था, दिक्कत हो रही थी। फिर एक दिन मैं परेशान था इतना, अपनी मम्मी से बात करी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तू गुरुजी से बातें किया कर, गुरुजी के सामने बैठ के बातें किया कर। तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी को 2018 में बताया था कि गुरुजी ऐसे हैं दिल्ली में, क्या आप YouTube पे सर्च करना, वो तो गुरुजी के साथ जुड़ गई थी। तो उनके जुड़ने के बाद घर में काफी वो चलता था, शब्द चलते थे गुरुजी का, शुक्राना करके है वो चलता था, लेकिन तब भी नहीं मैं समझ पाया था गुरुजी को। तो चलती गई लाइफ, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, उससे पहले मैं कई बार होता था, मैं जुड़ गया था या नहीं जुड़ गया था मेरे को नहीं पता, लेकिन ये था कि कई बार मैं गुरुजी का वॉलपेपर, उस समय मुझे नहीं पता था कि इसको उनको स्वरूप कहते हैं, गुरुजी का वॉलपेपर मैं कई बार अपने मोबाइल पे लगा देता था, कई बार हटा देता था, कई बार लगा देता था। तो फिर असल समझ में आई फिर मैं लॉकडाउन के बाद, फिर जब परेशान हुआ 2-3 महीने बाद लॉकडाउन खुलने के बाद, जब शॉप्स ओपन हुए उसके परेशान था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तो गुरुजी से बातें किया था। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। मैं गुरुजी से, मैंने एक दिन, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं एकदम से कैसे अटैचमेंट हो गया, मैं सच में बताऊं मेरे को खुद को भी नहीं पता, शायद मैं याद करना भी चाहूं तो मुझे याद आता भी नहीं है कि मेरा अटैचमेंट गुरुजी से इतना कैसे एकदम से बढ़ा। फिर गुरुजी से मैंने बात करी, अब वही था कि गुरुजी तो मेरी लाइफ में काफी टाइम से थे, मैं ही गुरुजी को नहीं समझ पा रहा था। तो फिर स्वरूप नहीं था घर पे, मेरी मम्मी ने कहा स्वरूप नहीं है, मैं जुड़ गया था तब तक, मैं गुरुजी से जुड़ गया था, गुरुजी के बारे में जानना शुरू कर दिया था मैंने, गुरुजी का स्वरूप मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे नहीं पता था क्योंकि जयपुर में पता नहीं है कि मिलते हैं नहीं मिलते, शायद नहीं मिलते क्योंकि जयपुर में इतना वो नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं अपना बेसिक अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन किया, छोटा स्वरूप आया, घर पे मंगवाया, घर पे छोटा स्वरूप था, फिर मैंने एक स्वरूप एक और मंगवाया शॉप के लिए, फिर घर के लिए, फिर मैंने एक और बड़ा स्वरूप मंगवाया जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, वो स्वरूप वो पहले मेरे घर पे था, क्योंकि छोटा स्वरूप था, ये रहता था कि छोटा स्वरूप है बड़ा स्वरूप होना चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन पे एक ऑर्डर किया, तो ये बड़ा स्वरूप मिला मेरे को, मैंने मंगवाया ये स्वरूप, मंगवाया गया, चलती गई लाइफ चलती गई। ये मुझे पता नहीं क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मुझे खुद को भी नहीं पता था, बस गुरुजी शायद इंडिकेट करते जो भी गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे वो सब कुछ मैं कर रहा था। घर के बाहर जाना है, शॉप पे ले आना है, तो गुरुजी के आगे माथा एक कराना है, गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए और आगे के कार्य में मेरे साथ रहिए, ये सब गुरुजी ने इंडिकेट करा था। और यही जब जो गुरुजी इंडिकेट करते थे वो इंडिकेशन सत्संग के थ्रू मेरे को पता चल रही थी, मैं सत्संग सर्च करने लगा,
जो भी सत्संग सर्च करता था, जो भी मेरे साथ हो रहा था इंडिकेट, जो भी गुरुजी मेरे को इंडिकेट कर रहे थे वो इंडिकेट सत्संग के थ्रू मेरे को बता रहे थे गुरुजी कि जो भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। जो अंदर से आवाज, कई बार होता था ना कि अंदर से जो भी आवाज आती थी अपन सोचते थे अपने भ्रम है या मेरी खुद की आवाज है, नहीं ऐसा नहीं होता था। सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगता था नहीं है तो गुरुजी की वो है। तो फिर चलती गई लाइफ, आगे की तरफ मूव ऑन हुई। फिर ऐसे ही एक दिन मैं जा रहा था अपने शॉप से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक गाड़ी गई, उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि गुरुजी लिखे हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ मन में, एकदम से मैंने गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगाई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये गाड़ी रुकवा देना आगे जाके। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, क्यों मैंने बोला, तो वो गाड़ी रुकी, आगे जाके रुकी, तो मैंने भी अपनी कार रोकी। तो मैंने बोला उनसे कि आपने जो स्टिकर लगाया है गुरुजी का, आपने कहाँ से लिया? तो वो बोले कि हम दिल्ली जाते रहते हैं, हमने वहाँ से लिया। तो मैंने मांगा नहीं था एक्चुअली, उन्होंने खुद नहीं बोला कि आपको चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा। तो मैं उस दिन पूरा खुश हो गया, मैंने कहा लो गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स दे दी, गुरुजी का स्टिकर आ रहा है, शाम को मिल जाएगा। उन्होंने कहा था मैं आपको शाम को दे दूंगा, तो उनका मैसेज आया कि मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, कल आपको सुबह मैं देता हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। बोले ठीक है, मेरा घर भी आपके पास ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शॉप जब जाऊँगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो आप मेरे को उस जगह पे आप मेरे को मिल जाना, मेरे को दे देना। तो फिर क्या हुआ, मैंने कॉल करा सुबह, पता नहीं था ना अभी एक और ट्विस्ट आना है, एक स्टिकर के पीछे भी एक ट्विस्ट आना है, गुरुजी ने ट्विस्ट दिखाना है। मैंने क्या मांगा तो नहीं था, उन्होंने खुद नहीं बोला था। तो वो ट्विस्ट आया, ट्विस्ट क्या था कि मैंने फोन करा, उन्होंने फोन पिक नहीं करा, मैसेज करा, मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। तो फिर ठीक है, मैंने कहा नहीं देना होगा अगले ने। मैंने फिर फेसबुक पे ऐसे करते रहते हैं, तो अपन आप कई बार क्या होता है, कई बार क्या, गुरुजी से आप जब जुड़ जाते हो, गुरुजी से आप जुड़ जाते हो तो आपको संगत का भी काफी पता चलता रहता है कि कौन पुरानी संगत थी, कौन क्या है। तो आप उनके भी, उनके अटैच में कैसे आते, मुझे खुद को भी नहीं पता गुरुजी ने कहाँ से क्या कनेक्शन जोड़ना होता है, वो गुरुजी को ही पता है। तो गुरुजी ने, आंटी हैं ओल्गा आंटी, मैंने उनको मैसेज करा कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अब दोबारा मैसेज मत करना, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, जयपुर में संगत रहती है, आप उनसे कांटेक्ट करना, वो आपको स्टिकर प्रोवाइड करवा देंगे। और जो नंबर दिया था उस संगत का, जो नाम था गौरव खंडेलवाल अंकल, मैं उनको एक्चुअली उनका नंबर देने से पहले भी मैं जानता था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था जयपुर सत्संग, तो उसमें वहां से नंबर निकल आया था। तो मैं जयपुर, जो जयपुर संगत का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें उन्होंने मेरे को जोड़ लिया था, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आया ही नहीं कभी दिमाग में कि मैं उनको डायरेक्ट बोलूं। बस वही है, गुरुजी ने कनेक्शन कहाँ से क्या करवाना होता है वो गुरुजी को ही पता होता है। तो उन्होंने नंबर दिया, मैंने कहा इनको तो मैं जानता हूँ। तो फिर उनको मैंने कॉल मैसेज करा कि मेरे को स्टिकर चाहिए। आंटी का फिर मैंने उनको नहीं बताया था। हाँ, मैंने उनको बोला मैं स्टिकर चाहिए, तो बोले ठीक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद भी काफी टाइम निकल गया था, ऑलमोस्ट एक महीना निकल गया होगा मेरे हिसाब से, एक महीना निकल गया था, स्टिकर तो नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने मांगा भी नहीं, फिर मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया ब्लेसिंग गुरुजी का, वो भी छोटा सा आया। सबने अब वो इतना, मैं गुरुजी से धीरे धीरे जुड़ रहा था, बस वही अब देखता हूँ तो लगता है कि सबने अपने अपने बिजनेस खोले हुए हैं गुरुजी के नाम पे। वो छोटा सा स्टिकर 300 से 500 के बीच का था, वो छोटा सा स्टिकर था ब्लेसिंग गुरुजी का, और वो मैंने अपनी कार के बैक मिरर पे लगाया, तो कुछ इतना मजा नहीं आया। कुछ मजा मतलब कि
कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने कुछ लगाया है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने, हाँ फिर एक दिन अपने आप ही गौरव अंकल का जो मैं बताया उनका मैसेज आया कि आपको स्टिकर चाहिए। मैंने कहा हाँ स्टिकर तो चाहिए, तो आप ऐसा करना कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर लेना, वो आपको स्टिकर दे देंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है नंबर दे देना। वो एक्चुअली वो भी जो उनका जो शॉप थी, जो जिस मार्केट में उनकी शॉप थी, वो मार्केट भी मेरे घर से काफ़ी 20-25 मिनट का ही रास्ता है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो मैंने उन अंकल को फ़ोन करा कि अंकल मैं कल शॉप से आते वक्त आपसे स्टिकर ले लूँ। तो वो बोले ठीक है आप ले लेना, लेकिन एक्चुअली आप मेरे को कॉल मत करना, आप शॉप पे जाना, तो शॉप पे मेरे वर्कर होंगे तो आप उनको बोल देना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वही था, एक स्टिकर के पीछे भी एक ट्विस्ट आना था, एक ट्विस्ट और आया था। ट्विस्ट क्या था, उन आंटी से, अंकल तो मिले नहीं थे, अंकल की आंटी मिली थी, तो मैंने उन आंटी से बात करी ऐसे कि ऐसे, मैंने उनको बात तो क्या करी थी, मैंने पहले मैं बात जानता ही नहीं था एक्चुअली, बस वो ये गुरुजी ने मिलवाना था। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे कल बात हुई थी अंकल से, तो उन्होंने स्टिकर के लिए बोला था गुरुजी का, तो वो बोले आप बैठिए मैं मंगवाती हूँ स्टिकर। तो बस वो वहाँ मैं बैठा, तो वहीं से फिर ट्विस्ट आ गया, तो बात ऐसे चालू हुई गुरुजी के बारे में, सत्संग स्टार्ट हो गया। पहले जिस सत्संग, जो अपन कहते थे जिसको अपन बातें करना कहते थे, अब वही गुरुजी के जुड़ने के बाद अब वही चीज़ अब सत्संग लगता है कि अपन सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, और जहाँ जो संगत मिल जाए गुरुजी की तो वो सत्संग ही हो जाता है। तो ऐसे बात चली चालू हुई, तो पता नहीं क्या हुआ, उन आंटी ने बोला आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा आंटी मेरे पास तो, मैंने मना नहीं किया, मना किया भी नहीं गया, मैंने बोला ठीक है आंटी मेरे को चाहिए स्वरूप। तो बोले ठीक है मैं आपको एक नंबर देती हूँ, तो आप उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने उन आंटी से, उन आंटी जिन आंटी का नंबर दिया था, मैं आंटी को मैंने कॉन्टेक्ट करा। अब वो भी, वो पहले तो वो बोल रही थी कि वो आंटी आपकी मेरी जहाँ शॉप है उसी एरिया में उनकी शॉप है। मैंने कहा ठीक है आंटी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा, और जो शॉप का उन्होंने नाम लिया वो शॉप तो मेरी कुछ मिनट की दूरी भी नहीं होगी, दो मिनट की दूरी भी होगी। और मैं शॉप से दो दिन पहले भी, चार दिन पहले निकला था, उनकी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे भी कोई है गुरुजी का, लेकिन पता नहीं था कि उस शॉप पे मैंने आना है। तो बस वो आंटी से मैंने बात करी, उन्होंने बोला ठीक है आपको कौन सा स्वरूप चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। मैंने कहा जो गुरुजी दिलवाए वही स्वरूप मिल जाए, वही स्वरूप आप दे दें। तो बस वो गुरुजी की ब्लेसिंग सी थी कि अच्छा खासा बड़ा स्वरूप मेरे को मिल गया, अच्छा खासा जो, और स्वरूप भी मिला। मैंने उसको फिर फ्रेम करवाया। गुरुजी का, गुरुजी ब्लेसिंग सी थी वो गुरुजी की, क्योंकि एक्चुअली उसके 3-4 दिन बाद ही मेरा बर्थडे था। तो गुरुजी ने मेरा वो, अब सोचा था, मैंने सोचता हूँ तो मैंने कहा तो गुरुजी ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट गुरुजी ने मेरे को दिया, किस स्वरूप में दिया, कहाँ से क्या कनेक्शन बनाए, वो स्वरूप आना था, वो स्वरूप के पीछे कितने लोग जुड़े, कितनी संगत जुड़ी, कहाँ से निकल के स्वरूप मेरे पास आ गया। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा, जो स्वरूप मैं ऑनलाइन मंगवाता था वो उस ऑनलाइन मंगवाता था जो स्वरूप मैं ऑनलाइन मंगवाया करता था, वो स्वरूप गुरुजी ने मेरे को किस तरीके से, कहाँ से क्या ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, काफी टाइम हो गया था गुरुजी से, फिर पॉजिटिवनेस काफी कुछ आने लगी थी। गुरुजी से आप जुड़ते हैं तो गुरुजी से जुड़ने से पहले, गुरुजी के जुड़ने के बाद काफी पॉजिटिवनेस फील होती है। गुरुजी से जुड़ने से पहले अगर अपन सोचते हैं कि लाइफ किस ट्रैक पर चल रही थी, काफी उस ट्रैक में और इस ट्रैक में, हाँ ये है कि अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं गुरुजी से जुड़ते ही एकदम से गुरुजी ने मेरे को खड़ा कर दिया, वो भी गुरुजी भी तो मेरा टेस्ट लेंगे। और अभी भी जो टाइम है, अभी जो मैं जिस प्रेजेंट टाइम में हूँ, उस समय मेरा टेस्ट चल ही रहा है गुरुजी का। वो टेस्ट क्या चल रहा है वो मैं अभी खैर नहीं बता सकता, वो मैं अगला सत्संग जब गुरुजी मेरे से करवाएंगे तभी मैं बता सकता हूँ। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा खासा टेस्ट चल रहा है, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं,
गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, क्योंकि जब गुरु जी से प्रॉपर तरीके से मुझे तो गुरु जी को पता है कि आप गुरु जी की किस गुरु जी ने आपको किस क्लास में रखा हुआ है। गुरु स्टार्टिंग में तो जब हुआ था मैंने वापस से गुरु जी ने मन में डाल मन, अंदर से जो आवाज आती कि वापस से अपना आप अपनी मैं अपनी शॉप में वापस से वीयर्स मंगवाऊं, तो जब आया माल जब गुरुजी से जुड़ने के बाद जो माल मैंने मंगवाया वो तो आप मैं कह सकता हूँ कि क्या निकलने लग गया था एकदम से। कस्टमर्स के वो होने लग गए थे, ऑर्डर्स भी मिलने लग गए। विद इन 15 डेज में मैंने कम से कम जहाँ मेरी सेल नहीं हो रही थी 1000 रुपीज की भी, वहाँ एकदम से वो चीज़ 25-26 थाउजेंड